बाइक की हालत आपको चेक करवाता हूँ। ऐसे जैसे सही बात है, चंगड़ू का नहीं फुल बाइक बना होता, वो वाले बाइक की हालत मैंने की हुई है। अबू का आज एटिया मेरे हाथ लग गया और आज एक्शन नहीं होगा, डबल एक्शन भी नहीं होगा, सुपर सही आज होगा। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वॉमिटिंग हो रही है, ये देखो वो पीछे दो तीन दफ़ा वॉमिटिंग आई है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैंने उधर बताया कि मेरे हाथ कहाँ पर, पता नहीं हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज सारा भाई व्लॉग शुरू कर रहा है 4:45 बजे। उसका रीज़न ये है कि सारा दिन मैं घर में बैठ रहा हूँ, कोई काम नहीं था, यकीन मानो कोई दुनिया का काम मिल ही नहीं था रहा। फिर मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, पहले तो वीडियो कल वाली एडिट किया, उसको पोस्ट किया, फिर उसके बाद फ्री बैठा रहा हूँ। असर का टाइम हुआ तो मैं जा रहा था पहले नमाज पढ़ने, फिर अबू से पैसे लिए हैं तो मैं जा रहा हूँ बाइक धुलवाने। बाइक की हालत चेक करो, यकीन मानो इसकी फुल चंगड़ी दम वाली हालत की हुई है मैंने, क्योंकि अब मैं कॉलेज नहीं जाता तो चलाते ही नहीं बाइक को, तो वैसे ही घर में पड़ा रहता है। तो खैर यार चलते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चलते हैं बाइक को धुलवाते हैं। ये रेस भी इसकी चेक करो, इधर बस जम गया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया यार। मेरे ख्याल से इसमें पेट्रोल भी खत्म हुआ है, देखता हूँ अभी वो खत्म है, मुश्किल है घर भी पहुंचे, घर भी नहीं पहुंचेगा। इस साइड पे हमारा गांव आता है और इधर मैं जाता था, दो तीन गांव छोड़ के ना उधर मैं जाता था जिम। इस दफ़ा तो फी कोई नहीं जमा करवाई थी, फिर इसलिए कोई नहीं गया दो तीन हफ्ते, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक फी जमा करवाते हैं तो फिर जाया करेंगे जिम। अभी शुक्र है इंसानों वाली इसकी थोड़ी बहुत हालत लग रही है, सही बात है। यकीन मानो कैमरे में इतना ज़्यादा बुरा नहीं था लग रहा जितना असल में लग रहा था। पानी लगाते हैं ना, फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ कितनी प्यारी हो जाएगी। अभी मयूद्दीन साहब की कॉल आई थी, वो बेचारा पैदल आ रहा है गांव से चलता हुआ, वो पीछे वाइट कपड़ों वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, थैंक यू, ये आपका प्यार है यार, सही बात, इतनी दूर से चलते हुए आए हो जी, कोई बात नहीं। ये भाई हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं, दिखाओ एक बार, मैं सर्च करके बताता हूँ आपको। स्किन मानो अभी इसकी इंसानों वाली हालत हुई है, सही बात है, नहीं तो ऊपर बैठते हुए शर्म आती थी। अभी पता चल रहा है ना कि किसी ने बाइक रखा हुआ है, साफ सुथरा रखा हुआ है। पहले तो मैं बैठा था, यकीन मानो ऐसे मैं खुद चंगड़ लग रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। जिंदगी में यार कुछ और लिया या ना लिया ना, एक घोड़ा लाजमी लेना, मुझे घोड़े का यार बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक आता है कि यार मेरे पास भी घोड़ा, इंशाल्लाह एक दिन घोड़ा ले ही लेना यार, इंशाल्लाह प्यारा सा, सही बात है। VIP का घोड़ा लेंगे, पता चलेगा दूर से कि किसी ने घोड़ा रखा हो, ऐसे ही है ना, इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा शौक है घोड़े का। नमाज भी यार पढ़ लेते हैं, अभी आए हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ ही, तो नमाज पढ़ते हैं उसके बाद चलते हैं कब्रिस्तान। 200 रुपया लेके गया था, 50 रुपये बच गए हैं, 150 रुपया उधर दिए, इतने ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसको लगाऊं किधर। आज यार इनका 500-500 रुपया लगा हुआ है आपस में, तो इसलिए ना ज़्यादा झगड़ रहे हैं। भाई साहब खेलने वाले पबजी, 1v1 होने वाला दोनों का, देखते हैं कौन जीतता है। अगर मयूद्दीन जीता तो ये बिरयानी खिलाएगा, सच जीता ये मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं रहा। 7+ होने के बावजूद चीर पार गई भाई, अरे बड़े होंगे ना चीर पार का अंदाजा होता है, एम गोली मारनी उन्होंने तो मारता है इधर पे बेचारा, उससे अच्छा तो असद यार खेल रहा है। और ज्यादा चीर पार्क में जाके ना लड़के के साथ खेला करो, यू विल बिकम लेजेंड, ओके शाबाश बच्चे दा, यही बात है। ओ मेरे ले आ गई डॉक्टर, ओ तेरी खैर हो। 30 सेकंड रह गए और मयूद्दीन साहब के हुए हैं 13 और असद साहब के हुए हैं 16, तो ये मैच तो असद जीत गया, अभी मैं और असद लगाते हैं AR का। हां ना चल दोबारा बना, लीव कर छोड़, मैं और यार मैं और असद लगाते हैं AR का। मैं असल में खेलता हूँ यार, एक्स पे खेलता था पहले, बड़ी देर पहले, अभी 7+ पे खेलता हूँ, नॉन जायरो ये खेलता है ना ही, मेरी सेटिंग है ना वगैरह कुछ कुछ सही है, तो देखते हैं कौन जीतता है फिर, मेरा और असद का लगता है। मगरिब का टाइम होने वाला है यार, चलते हैं अब नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं दूध लेने, फिर जैकी को भी लेके जाना है, उसके बाद घर भी जाना है, अब्बू की भी बातें सुननी है।
मैं जा रहा हूं फिर सही है घर। दोनों आ जाना पैदल ही। मुझे बता देना सही है। फीस निकलवाते हैं और अपना खर्चा थोड़ा बहुत निकालते चलते हैं। बताता हूँ आपको पीछे भाई कार है। आज एक तो ये कि सुबह से मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, कल शाम को मैं घर गया, उसके बाद सारा दिन घर में फ्री बैठा रहा हूँ, घर में कोई काम नहीं था, फिर वो घर में कोई काम नहीं किया। अभी मैं जा रहा था जिम, पहले सिटी गया हुआ था, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाना था, तो इसलिए सामान वगैरह लाया घर वालों के साथ ही, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ यार जिम। पैसे निकलवाते हैं वो एटीएम, जिधर जाना है ना वो एटीएम 95% खराब ही रहता है, तो देखते हैं यार अगर सही हुआ तो पैसे निकलवा के जिम की फ़ीस भी देंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने जिम की फीस की वजह से नहीं था गया। तो चलो आओ चलते हैं। ओ तेरी भाजी पे है। बाय द वे अपन के भाइयों की सिचुएशन इज़ दैट कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी करीबी 2-3 शादियां भी आ रही है, तो इसलिए मैं एक अपनी पैंट शर्ट भी लेके आया था, वो भी घर जाके आपको दिखाऊंगा। 2-3 शादियां आ रही हैं जो नज़दीक है, बस उसकी पहले तैयारी कर रही है, 20 तारीख को वो शादी आ रही है। खैर अभी तो विदाउट एनी मोर काइंड ऑफ बकबक चलते हैं पहले जिम। वो सॉरी एटीएम भी तो जाना ना, उनको फीस भी तो जमा करवानी है ना। देख लो मैंने पहले बताया था ये एटीएम घटिया तरीन फ्लैशबैक। वो एटीएम जिधर जाना है ना वो एटीएम 95% खराब ही रहता है। बात तो सही है, थका हुआ एटीएम है, सही बात है, यकीन मानो। अब फीस मैंने जमा करवाने थी, मैं इन्हें करूँ पैसे लेके आवा। लो भाई साहब जिम की भी बंद है। मुझे क्या लगता है कि ना एटीएम बंद है ना जिम बंद है, मेरी किस्मत का वो बग्गा कीड़ा सोया हुआ है, ऐसे लगता है यार। सही बात है, जो काम करो उल्टा होता है। अभी एटीएम भी बंद है जिम भी बंद है, मैं तो आया हुआ था जिम में, कोई नहीं फिर चलता है यार, थोड़ी देर इधर वेट करता हूँ, अगर खुल गई तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे घर। यकीन मानो आज बस जिम खुल जाए थारा भाई वैश ही हो जाएंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। असर की नमाज मैंने कोई नहीं पढ़ी, वो सामने मस्जिद है, पहले चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, इतनी देर में हो सकता है जिम खुल जाए, अगर खुल गई सिस्टम बजा देना बस। जिम लगा के जाने हैं यार, सही बात है, मैं इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ, फीस मेरे पास कोई नहीं थी, अब फीस मिली है तो जिम की बंद हुई पड़ी है। ठीक है भाई साहब, कोई नहीं, मेरे ख्याल से जिम अभी भी बंद ही है, तो चलते हैं सीधा घर ही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार आने का, यकीन मानो। ना अपने पैसे मिले, ना फीस जमा हुई, ना जिम खुली है, और एटीएम तो वैसे ही हमारा थका तरीन लगा हुआ है। ये जा रहा है नमूना खोलने जिम, शुक्र किया यार मेरे पैसे नहीं जाए हुए, बल्कि पैसे तो मिले कोई नहीं है, उसको बोलेंगे एटीएम में गया हुआ था लेकिन वो बंद है, तो चलते हैं उसको बोल देंगे सही है, वो जा रहा है भगा के अब बाइक। पिछली दफ़ा इधर मैं रख के वीडियो बना रहा था और इधर मैं ना वो ट्राइसेप्स की गेम लगा रहा था और इधर से खुद ही नीचे गिर गया, इधर इसके वो अंदर मैंने लगाया हुआ था, इसके साथ लगा के इधर रखा हुआ था, खुद ही नीचे गिरा, उधर पैनल ही टूट गया। फिर बैंड बज गया यार, कितने दिनों बाद लगाई है ना, यकीन मानो बस हो गई है मेरी, तो पता नहीं बाइक भी चलेगा कि नहीं। सही बात है, ओ यार तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, ये देखो वो पीछे 2-3 दफ़ा वॉमिटिंग आई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने उधर बताया कि मेरे हाथ कांप रहे, पता नहीं क्यों। चलते हैं यार घर, तबीयत सही बात है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ऐसे जैसे बुखार नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज नमाज पढ़ने चलिए सारे, रोज़ तो बुला लो, कोई शर्म खा लो, करो कोई गैरत का मादा अपने अंदर पैदा कर लो सारे पंजे सारे। चलो नमाज पढ़ने चलिए, आ जाओ, चलो चलो आज शाबाश, आज 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 इधर आ, इधर आ, इधर आ,
ऐसे में खलोते हो, तेरा इंतजार पे करता जल्दी आ। इनको रोज मैं बुलाता हूँ नमाज के लिए, नमाज के लिए नहीं आते। चलिए जिंदाबाद यार। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, जाओ तुम लोग, मैं आ जाता हूँ। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों को इकट्ठा किया है। तो तबीयत मैंने आपको बताया था ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा, तो तबीयत तो थोड़ी बहुत नासाज ही है, मतलब प्रॉपर तरीके से सही तो नहीं हुई, लेकिन जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। तो फिर आज खुद आपको यही पेंड कर रहा हूँ मैं, और कोई काम नहीं है ना, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी से कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। के वेख दे सारे मुँह वाले, मैं दुनिया से पहली बार आया। ओके बाय।